अरे 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 बच के, नहीं तो कहीं पैर फिसल गया तो पूल में गिर जाएगी। और गिर गई ना बेचारी नायरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पर डोंट वरी, कार्तिक है ना, वो भी हीरो बनकर छलांग उन्होंने लगा ही दी है पूल में। लेकिन इस चक्कर में उनका ये जो गेटअप है वो तो निकल गया। कहीं ऐसा ना हो कि अब कायरव को सारी असलियत पता लग जाए। इश्क है, हाँ जी इश्क है। इस इश्क को बचाने के लिए ही तो इश्क करने वाला कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे सकता है। देखिए अपने इश्क के लिए कार्तिक ने वही किया। पिकनिक में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये किसने सोचा था। पहले तो अचानक से अखिल चाचू आ गए जो डूब रहे थे, लेकिन फिर उन्हें बचा लिया गया। अरे तू बेहोश हो गया, हे भगवान के लिए बचाओ, हे भगवान। और फिर उसके बाद देखिए नायरा डूबने लगी और उसे बचाने के लिए एक कार्तिक आ गए। पहले तो कार्तिक ने कोशिश की कि नायरा को वो ऊपर की तरह खींचे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे पानी में उतरना ही पड़ा। और देखिए जब पानी में ये कूदे तो उसका इश्क कैसे परवान चढ़ा। पल इन्हें एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। खैर इतनी मुश्किल घड़ी से फिलहाल तो नायरा को बचा लिया कार्तिक ने, लेकिन ये क्या, जॉली सिंह का सारा हुलिया ही बदल गया। कहीं कायरव ने देख लिया कि जॉली सिंह कोई और नहीं उसके ही पापा है, तब कहीं ऐसा ना हो कि नया स्यापा हो जाए। मुझे पता है कौन हो, मैंने देखा था। कायरव पहचान गया है कि जॉली सिंह कोई और नहीं बल्कि उसके पापा कार्तिक हैं, और वो इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ बल्कि उसने वही किया जो कार्तिक ने किया था। ऑनलाइन से जैसे वो गिफ्ट पैक होकर आए थे ठीक वैसे ही कायरव भी आया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।